पिछले 2 महीनों से दिल्ली की जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत मिलने के बाद भी दूसरे मामले में फिर जेल भेज दिया। जमानत मिलने के बाद जहां अरविंद केजरीवाल को लगा था कि अब शायद उन्हें जेल से रिहा होकर अपने परिवार के बीच पहुंचेंगे, लेकिन एक अन्य मामले में फिर से उन्हें जेल में रहने को मजबूर होना पड़ा। इंडिया गठबंधन ने अरविंद केजरीवाल के मामले पर भाजपा सरकार पर जमकर हमला करते हुए कहा कि भाजपा सरकार डरी हुई है, तभी तो उन्हें फर्जी मामले में फंसाया जा रहा है। जेल में अरविंद केजरीवाल की हालत बिगड़ी हुई है, लेकिन जेल प्रशासन इस पर भी गंभीर नहीं है। केंद्र की भाजपा सरकार केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है। सरकार का ये द्वेष पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। भाजपा नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए। आज आम आदमी पार्टी के जो हमारे यहाँ जिले के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं गुप्ता जी जो हैं, उनके नेतृत्व में पूरे इंडिया गठबंधन के लोग, जिसमें कांग्रेस के भी जिला अध्यक्ष थे और समाजवादी पार्टी के लोग भी थे, सभी लोग माननीय अरविंद केजरीवाल जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के द्वारा जिस तरीके से फर्जी मुकदमों में लगा करके आरोप लगा करके फंसाया गया और जमानत होने के बाद भी नए नए मुकदमे दर्ज करा करके उनको जेल के अंदर ही रखा जा रहा है, इसको लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को कि जल्द उनकी रिहाई की जाए। साथ ही जब तक वो जेल में है तो जेल में उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उनको सुविधाएं प्रदान की जाए। अगर ये बाहर नहीं आते हैं तो भी इंडिया गठबंधन के आगे की रणनीति होगी? इंडिया गठबंधन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कुचक्रों के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ाई लड़ रहा है और इस लड़ाई को भी केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार समय पर लड़ा जाएगा। अभी हमने ज्ञापन देकर के उनको चेतावनी दी और ये मांग की जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि सरकार के ऊपर अपना आदेश जारी करें और सरकार की जो निरंकुशता है उस पर रोक लगाई जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।